प्लेट में डॉक्टर बता दे ना, प्लेट में डॉक्टर बताते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में बताते हैं दूध फायदेमंद रहा है बकरी का। अच्छा, हमारे तो आसपास के गांव में बड़े मीडिया आपके गांव रंगाना है, बहुत गांव से आते हैं। अच्छा, दूध लेने के लिए। अच्छा अच्छा, जी आना है तो आप दे दो। हाँ दे दो, कोई पैसा नहीं है, कोई अगर कोई आता है तो हमारे लिए अच्छा है। अच्छा, तो घर में कौन? देखो बच्चा जो है मस्ती में है, भाग रहा। खुले में जो है ये तो आराम से बैठे अपना, और ये मस्ती में है ये बच्चा। ये खुला रहू जा है? हाँ ये खुला रह जा, छोटा अभी बांधते नहीं इसको। कान बहुत बड़े बड़े, तुझे पता नहीं इसकी जानकारी? नहीं, अच्छी जानकारी नहीं, मैं तो इसी स्कूल में जाऊँ। हाँ, भाई का ही शौक है पालने का। हाँ, अच्छी नस्ल है तो कोई? हाँ, नस्ल अच्छी है वो, और अपने आप दूध पी। हाँ अच्छा। भाइयों नमस्कार, स्वागत है यूट्यूब चैनल उधवी रलावत पर। भाइयों आज आए हैं गांव रसाना जो पड़ता है जिला शामली में। देखो ये छोटा किसान है भाई हुआ, ये जो है बकरी पाल रहा, और इनकी जो है ये गाय भी बंध रही दो यहाँ पे, देसी गाय का शौक कर रहे। ये बछिया है एक, और ये गाय बैठी, और ये इनकी बकरी है। आ जा भाई एक बार, अपना नाम और पता बताओ। मेरा नाम रितिक कुमार है, पिता का नाम संजय कुमार, गांव है ये रसाना। अच्छा रसाना। अच्छा जिला? जिला शामली। अच्छा शामली में है, उत्तर प्रदेश। अच्छा तो भाई आप ये बकरी जो है, ये बकरी पाल रहे, ये कितनी बकरी है आपके पास? बकरी तो जी हमारे पास फिलहाल तो चार बन रही है, एक बकरा घर है उसे हम लाते नहीं, वो क्योंकि वो बच्चों को टक्कर टुकर मार दे। अच्छा, इसलिए वो लाते हैं उसको। अच्छा ये चार है यहाँ पे? चार बकरी है जी। तो ये किस लिए पाल रहे हैं चार? ऐसे ही शौक के लिए, मेरा भाई है उसके शौक करे तो वो पालता है। अच्छा हाँ, मतलब घर दूध दादा का काम चल रहा है? घर दूध पीले जाकर, कोई किसी को बुखार हो प्लेट गिर जाए तो वो आ जाता है लेने। अच्छा, उसको दे देते हैं। अच्छा अच्छा, तो ये बात है, यही बात है। तो भाई ये कोई सी नस्ल है कि क्या है, कौन सी नस्ल है? नस्ल के बारे में तो पता नहीं, क्योंकि मतलब शौक के लिए पाल रखी हो। है शौक के लिए पाल रखी, तो मैं इतना जानकारी इनके पास बकरी के बारे में। अच्छा नस्ल की नहीं पता? नस्ल की नहीं पता। अच्छा अच्छा, तो ये वाली दूध दे रही है क्या? हाँ दूध दे रही है। अच्छा तो ये कितना दूध दे दे? लगभग अभी फिलहाल तो कमी दे रही, क्योंकि अभी गैप बना है, ले एक पाव का देती होगी। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा, और ये दो ये हैं? हाँ ये दो, एक बकरा है। अच्छा ये बकरा आएगा? हाँ जी एक बकरा है। अच्छा तो पहले कितनी लाए थे, घर रख के ही बढ़ गई? पहले जी हम एक बकरी लाए थे, वो अभी मरी है 2 महीने पहले। अच्छा तो वो ये सब बच्चे उसकी है। अच्छा वो मर गई थी? हाँ वो मर गई थी। अच्छा अच्छा, तो भाई बस घास घूस चुगा लो कि घास घर पर? नहीं चुगाने चल जाते हैं, आज बारिश हुई थी गए नहीं सुबह में। अच्छा अब जाऊंगा थोड़ी देर बाद। अच्छा बच्चों घर भी डालना पड़ेगा कि बस चुगा में चल जा? घर भी डालना पड़ेगा क्योंकि मैं जाऊँ स्कूल में। अच्छा तो मेरी दादी है वो ली लिया हुआ घास। अच्छा अच्छा, मेरी मम्मी लिया हुआ। अच्छा तो ये बस इसका जो है घर के खर्चे के लिए, शौक के लिए पाल रहे? शौक के लिए ऐसे ही है। तो दूध बकरी का दूध तो बढ़िया हुआ है भाई? दूध ही बढ़िया हुआ है, ये दूध फायदेमंद भी हो, किसी को बुखार हो जा प्लेट गिर जा तो उसके लिए बहुत फायदेमंद रहे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो भाइयों ये छोटा बच्चा कितनी जानकारी ले रहा है बकरी के दूध के बारे में। अगर किसी को दूध चाहिए आसपास के गाँव में तो कोई बात नहीं, लेने आ जाओ हम दे देंगे। अच्छा ऐसे कोई पैसा नहीं है? अच्छा बगैर पैसे के दे दो? बिना पैसे कोई भी आसपास कोई भी लेने आए तो ले जाओ। भाई ये तो बड़ी सेवा है जी। हाँ जी हाँ, क्योंकि प्लेट में डॉक्टर बता दे ना, प्लेट में डॉक्टर बताते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में बताते हैं दूध फायदेमंद रहा है बकरी का। अच्छा, हमारे तो आसपास के गांव में बड़े मीडिया आपके गांव रंगाना है, बहुत गांव से आते हैं। अच्छा दूध लेने के लिए? अच्छा अच्छा, जी आना है तो आप दे दो। हाँ दे दो, कोई पैसा नहीं है, कोई अगर कोई आता है तो हमारे लिए अच्छा है। अच्छा तो घर में कौन कौन है भाई? घर में जी मेरी मम्मी पापा, मेरे दो बहन है एक भाई है, मेरा अंकल दो अंकल है, बुआ है, मेरी दादी है। अच्छा पूरा परिवार है? पूरा परिवार है जी। अच्छा मेरा दादा नहीं है जी बस। अच्छा घर में गंदगी वगैरह तो नहीं करती है? नहीं ऐसे कुछ नहीं है, अलग बन जाती है, झाड़ू मार दे जो करती है। अच्छा आज ये बाहर बांध रखी है? बाहर बांध है। अच्छा छाया अच्छी है? हाँ छाया, हवा वगैरह भी लगती रहे? हवा लगती रहे। बिल्कुल बिल्कुल,
चलो जी बहुत बढ़िया जी, पालना चाहिए। और अच्छा, और ये गाय भाई? ये गाय तो हमारी पड़ोसियों की है। अच्छा, पड़ोसी की बंदरी? पड़ोसी की बंदरी, यहाँ क्योंकि उनके जगानिया बांधने की। हाँ, यही बांधने चाहे। अच्छा चलो, ये गाय माता अच्छी है। हाँ आशीर्वाद देगा। हाँ ये भी सहयोग कर रहे हैं आप? हाँ बंधने दे रहे बंधने। हाँ देसी गाय है। चलो जी बहुत बढ़िया। चलो दोनों बन जाए यहाँ पर है, दोनों गाय बन जाए, बकरी बन जाए, हमें लेट जा, आदमी आ जाए और कोई। सही सही, चलो जी बहुत बढ़िया। देखो भाइयों, बच्चा एक बकरी पाल रहा है और बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, दूध भी देते हैं अड़ोसी पड़ोसी को, कोई लेने आवे आज कोई भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी बहुत बढ़िया, दूध हो रहा तो ले जाओ, नहीं हो रहा तो मजबूरी। चलो भाइयों, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना। नमस्कार।